तो दोस्तों अपना राइड चालू हो चुका है और 2024 का ये पहला राइड है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। तो आज एक अच्छा डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, जस्ट बगल में, ये घर से ज़्यादा दूर है नहीं, 3.5 घंटे का रास्ता है इफ़ नॉन स्टॉप चलाए तो। और अच्छा रास्ता मिलेगा, आज का वेदर ठीक लग रहा है, अभी तक तो कोई फॉग वॉग नहीं दिख रहा, नहीं तो इतना ख़राब मतलब जा रहा है कि आज इस साल का वेदर कि पूरा फॉग ही फॉग आ रहा है, कंटिन्यू इतना फॉग रह रहा है सुबह सुबह। तो अभी आज तो फॉग नहीं दिख रहा है और वेदर भी नियर अबाउट आज 40-50 डिग्री है, तो लेट्स सी क्या रहता है। तो एक्चुअली सोचे थे रिपब्लिक डे पे राइड करेंगे, बट रिपब्लिक डे पे राइड नहीं किए क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। तो और कल ही नेताजी का बर्थडे किया है तो कल छुट्टी था, पर कल काम था इसलिए गए नहीं। तो आज बीच में एक दिन मेरे को फ्री मिला तो सोचे चलिए घूम के ही आते हैं कहीं। तो हमें जाना है मिदनीपुर, ढुक्की करके एक जगह है वहाँ जाना है, यहाँ से 150 किलोमीटर है नियर अबाउट। तो चलते हैं, अभी बज रहा है, इसमें गर्ली का अलग टाइम दिखाता है, 6:30 बज रहे होंगे, बगल में 6:25 हो रहा है। तो लेट्स सी, तो दोस्तों हाईवे पे निकल के आ चुके हैं और काफ़ी अब देखिए कुहासा, मतलब आपको फॉग दिख रहा होगा पूरा रास्ता में और ठंड भी ज़बरदस्त अब लग रहा है, मतलब उतना ठंड नहीं लग रहा है लेकिन लग रहा है, जैसे यदि ठंड के लेवल में गिने हैं तो अभी दार्जिलिंग ट्रिप जो किया था वो एकदम एक्सट्रीम ठंड था, तो ये मैं बोलूँगा उसका 50% ठंड है, तो उतना ठंडा लग रहा है। और रास्ता काफ़ी जाम है सुबह सुबह, मतलब इतना बोर्ड सब ट्रक सुख चल रहे हैं ना, तो पूरा रास्ता जाम है। तो ये हम लोग अभी एक टोल प्लाजा क्रॉस किए हैं तो उसके बाद से अभी रास्ता थोड़ा फाका मिला है। और देखिए मेरे पीछे से सनराइज हो गया, कुहासा में ढुका हुआ है, सनराइज नहीं दिख रहा है, हल्का हल्का रोशनी आ गया है। दोस्तों देख सकते हैं जैसे कि राइड चालू हो चुका है और अभी जस्ट कोलाघाट ढूंकने वाले हैं, मेरे पीछे ही कोलाघाट है। तो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर आ गए हैं 1 घंटा के अंदर। तो हल्का से एक ब्रेक लिए पीछे, सुबोदीप होटल करके हैं वहाँ पर, और अभी बिस्किट और चाय पिए हैं। और मेरे पीछे से बस एक सनराइज हो गया है, कुहासा धीरे धीरे हट रहा है, तो आपको बाइक दिखाते हैं और अच्छा लगेगा देख के। उतना कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, देखते आगे जाके रास्ता में कुछ एक्साइटमेंट के लिए, क्योंकि रात बस सोया नहीं हूँ तो नींद पूरा नहीं हुआ है, और नींद पूरा नहीं हुआ इसके चलते मैं अच्छे से मतलब आपको अपना जो है एक्साइटमेंट दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो वही चीज़ के लिए थोड़ा सा मेरे को लगता है वेट करना पड़ेगा, LHC आगे आगे देखते हैं रास्ता में क्या होता है। तो गाड़ी दिखा देते हैं आपको। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लिए थे, टी ब्रेक लिए, तो थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो गया तो अच्छा लग रहा है अब, लेकिन अब ठंडा मेरे को लग रहा है, पता नहीं क्यों अब ठंडा लग रहा है। तो ये आ गया हम लोग का कोलाघाट, धीरे चले सुरक्षित पहुंचे, बोला स्कूटी। तो अभी जिस रोड से जा रहे हैं वो कंसपति रिवर के ऊपर से जा रहे हैं, और ये कंसपति रिवर यदि आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो देखिएगा, मुकुट मणिपुर का राइड किया था मैंने, तो मुकुट मणिपुर का राइड के समय ये वीडियो बनाया था। तो कंसपति रिवर के बगल से ही हम लोग गए थे, पूरा वही मुकुट मणिपुर कंसपति रिवर के ऊपर ही है, डैम बनाया हुआ है,
तो ये है आपका डैम, वो डैम पे ये नदी है। कितना पानी है, पूरा ऊपर तक पानी है, खोलता नहीं है इसको लगता है मेरे हिसाब से। तो आ गए दोस्तों पात्रा विलेज ऑफ टेंपल्स। तो दोस्तों आप पहुँचे हैं पात्रा विलेज ऑफ टेंपल्स। तो टेंपल्स का गांव मतलब मंदिरों का गांव है ये। तो काफ़ी सारे मेरे पीछे देख सकते हैं टेंपल है ऑन बाय द साइड ऑफ रोड। तो इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी ये टेंपल सब बंद हो चुका है, लगता है इसमें पूजा होता नहीं है क्योंकि सब खंडर बन चुका है, टूट फूट गया है, रिपेयरिंग नहीं होता है। और पूरा पुराना लाइक आर्कियोलॉजिकल साइट्स होते हैं ना, जैसे बिष्णुपुर टेराकोटा वर्क, वही टेराकोटा वर्क का किया हुआ है सारा टेम्पल। आपको मैं दिखाता हूँ, वेट रुकिए। तो देखिए ये है टेम्पल सारा। और हमारी बाइक इधर खड़ी है। तो सब रिवीन्स हो चुका है रास्ता, देखिए पूरा लाल माटी है यहाँ पर, क्योंकि इस जगह पे मेदनीपुर इलाका आ जाता है। ये मेरे ख्याल से शिवलिंग था, सब टूट गया है। फाउंटेन वाउंटेन था, सब कुछ टूट चुका है। देखिए ताला लगा हुआ है, पीछे लिखा हुआ है कुछ हिंदी में, संचित स्मारक। तो दोस्तों यही पात्रा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, टूटे फूटे कुछ मंदिर है, 10-20 मंदिर है यहाँ पर, 10 नहीं 20 भी नहीं, वो 10 है टूटे फूटे मंदिर है। तो यही चीज़ के लिए देख रहे हैं, और देख के फिर अभी निकलेंगे डुकी के लिए, जो कि हम लोग का मेन आज का व्यू पॉइंट रहेगा, फिल्म सिटी है वहाँ पर, तो वही देखने के लिए निकले हैं। तो ऐसे कुछ कुछ अनएक्सप्लोर करते रहते हैं हम लोग, अनएक्सप्लोर का एक्सप्लोर करते हैं बंगाल में जो जो चीज़ भी है, फिर धीरे धीरे अदर स्टेट्स भी करेंगे। बंगाल ख़त्म हो चुका है कि जितना हम घूमे हैं ना, सब चीज़ ख़त्म कर लिया है बंगाल में, कुछ नहीं है। और मेरे ख्याल से मैंने जितना घूमा है बंगाल में और कोई नहीं घुमा होगा, कि हर जगह जा जा के पहुँच के देख रहा हूँ। तो यहाँ पर तो मेंटेन नहीं है, तो यहाँ पर कोई आपका टिकट प्राइस भी नहीं है, आप आइए आराम से देखिए, रास्ते में खड़े होकर फ़ोटो तो खींचिए, अच्छा लगेगा। तो मैं भी कुछ सिनेमेटिक शॉट्स लेने का कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ होता है क्या। किलोमीटर टू डुकी, 19 किलोमीटर से और 3 किलोमीटर अंदर जाना है। तो तेल भरवाए हैं गाड़ी में, 1000 रुपये का तेल लग गया, पूरा पूरी 1000 का तेल आया। तो माइलेज का पता नहीं क्या दे रहा होगा, बाद में कैलकुलेशन करके देखेंगे, मेरे ख्याल से 30 तो दे ही रहा होगा। कल ही तो मोबाइल चेंज हुआ है, तो अच्छा देना चाहिए, मैं तो हमेशा मोटुल यूज़ करता हूँ। आपकी क्या प्रेफरेबल है डोमिनर में, मेरे को थोड़ा कमेंट करके बताइए। ये मोड़े ग्राम का रास्ता है, मतलब विष्णुपुर मोड़े ग्राम। तो ये रूट में मैं पहले गया नहीं हूँ, एक्चुअली शायद से गया नहीं हूँ, क्योंकि मोड़े ग्राम में जब गया था तो कटवा से कट के गया था, तो ये रास्ता नहीं था बिल्कुल भी। यहाँ पर चाय वाय का ब्रेक हो रहा है, एक ही दुकान है क्या यहाँ पर, इतना भीड़ क्यों है। तो 21 किलोमीटर टू गो।
सो दोस्तों, वी आर एट नाउ प्रयाग फिल्म सिटी। तो पहला स्टॉप आ गया हमारा, ये है आपका किंग फिशर का एरोप्लेन, अबैंडन एरोप्लेन है, इधर देख सकते हैं। तो यहाँ फोटो तो खींच लेते हैं, वहाँ क्या लग रहा है। प्लेन के बगल से जा रहे हैं यार। तो दोस्तों, आप पहुँचे हैं फिल्म सिटी में और पूरा अबैंडन फिल्म सिटी है। अब माना जा रहा है कि अभी शूटिंग का बात चल रहा है, तो इसमें हो सकता है कुछ दिनों में शूटिंग। इसमें काफ़ी शूटिंग हो चुके हैं लेकिन मेंटेन नहीं है, देखिए ना, सब रंग उंग उड़ गया। 300 रुपया टिकट लेने के बाद में कोई भी मेंटेनेंस नहीं है यहाँ का। एक अच्छा है कि आप गाड़ी लेके, बाइक लेके आ रहे हैं तो बाइक लेके आप पूरा घूम सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक स्टेज पे आया और मुझे लगता है ना ये कार्डबोर्ड का ही बनाया हुआ है सारा, टाइल्स वाइल्स तक उखड़ जा रहा है नीचे का, इस तरह का अबैंडन है। यहाँ पर लोग, दो तीन जो केयर टेकर है, उनसे पूछा कि पहले जैसा पिक्चर अब होता नहीं है। अब ये बांग्ला मूवी का मैक्सिमम सेट है, बांग्ला उड़िया मूवी ज़्यादा ही होता है यहाँ। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है आपका। मौसम अच्छा होता तो और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आते, लेकिन कितना गंदा कर रखा है मौसम। ये अच्छा है कि ठंड नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि ये सारा स्ट्रक्चर कार्डबोर्ड का है, और प्रूफ करके दिखाता हूँ। सुन, आवाज़ देख के आपको समझ में आता होगा कि एक एक लाइक वो जो जिप्सम बोर्ड होता है ना, उसका बनाया हुआ है। एंड ऑब्वियसली सब आते हैं, फिल्म सिटी में कोई भी चीज़ असली नहीं होता है, वो जो आपको दिखाए दृष्टि है वही दृश्यम दिखाते ये लोग। तो यही आपका स्ट्रक्चर है जिसको आप चेंज कर सकते हैं बार बार, और काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर है, देखिए ना, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सुंदर लोकेशन है। लेकिन थोड़ा सा मेंटेन करके रखते हैं ना तो और भी बढ़िया लगता है। यहाँ शूटिंग नहीं होता, मेंटेन नहीं होता होगा, मेरे को तो लगता है वो शांति प्रिया की जो बाली यहीं नीचे मिलेगी, शांति प्रिया की लाश इसके नीचे ही मिलेगी मेरे को लग रहा है। तो दोस्तों, सेकेंड व्यू पॉइंट में ले चलेंगे आपको। अब ये तो एक क्या पता नहीं महल था कोई, जो अबैंडन ही है समझ लीजिए, सब खराब हो चुका है। पीछे मेरे पीछे एक लाइक भूतानी स्टाइल में कुछ है स्ट्रक्चर, उसको देखने जाएंगे। फिर एक पीछे बिल्डिंग है बहुत बड़ा, वो भी देख लेंगे। जो जो है थोड़ा बहुत देख लेते हैं, क्योंकि इतना दूर आए, खर्चा करके 300 रुपया लगा है टिकट का, 300 रुपये, ये बात ध्यान में रखिएगा। यदि आप आ रहे हैं, बहुत पैसा है खर्चा करने को, तो ही आइएगा, मतलब यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, और सच बता रहा हूँ। तो आगे जैसा जैसा होगा दिखाते जाएंगे आपको। सो दोस्तों, और एक स्ट्रक्चर पे आके खड़े हो गए हैं सेट पे, ये आपका भूटानी सेट है, ड्रैगन वैगन का पूरा लगाया हुआ है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट है। लाइक चांदनी चौक टू चाइना यदि शूटिंग करना हो तो यहाँ शूटिंग कर सकते हैं, इस हिसाब का सेट है। गाड़ी तगड़ा लग रहा है इधर, ओफ क्या लग रहा है। तो इसके अंदर चलते हैं, थोड़ा शॉर्ट वॉट लेते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या सीन है। बोलने का क्या है इसमें, म्यूजिक डालो, लगाओ, देखो ये सब कार्डबोर्ड का बना हुआ है। ऐसे लग रहा है कि दुर्गा पूजा का पंडाल देखने आया हूँ। तो मे भी यहाँ से पानी बहता होगा, जिस हिसाब का हाँ पानी ही है, यहाँ से ऐसे जाता होगा पानी वानी। वो कर क्या रही है, कुछ काट वाट देगा। ये तो असली स्ट्रक्चर है, गाना बज रहा है। वो ये गेट दूसरा है, अच्छा ये हम लोग इधर आए थे, इसके पीछे भी और है, वाह यार। सो दोस्तों, अभी वो जो पहले वाला जो सेट देखे थे उस, वो बैक साइड था, तो अभी फ्रंट साइड में आए हैं। और ऊपर में देखिए ये क्या एक गेट बनाया हुआ है, और ये लगता है आपका जो
8 क्रॉसिंग गेट नहीं होता है रूम में, वैसा टाइप का लग रहा है गेट पूरा, और अंदर में पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। मेरे पीछे भी बड़े बड़े दो हाथी है, देख सकते हैं। तो यहाँ बोलने लायक कुछ नहीं है, आप आए तो यहाँ इंजॉयमेंट कर सकते हैं, फैमिली के साथ पिकनिक में आ सकते हैं, प्री वेडिंग शूट कर सकते हैं, लेकिन यदि ग्रुप में आ रहे तो अच्छा है, ऐसे में मज़ा नहीं आएगा, ऐसे में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो वैसे ही कुछ शॉर्ट देख रहे हैं, और अच्छा लगेगा तो सिनेमेटिक शॉर्ट्स वर्ट्स कुछ लेंगे, और नहीं तो ठीक है, बाकी सब कुछ बढ़िया। आप बताइए और कैसा चल रहा है, सब बढ़िया ना? बना रहे एक ही हाथी के दो सर है चार पैर है, ऐसा होता है कभी? उस साइड भी मुंह है, इधर भी मुंह है, अब दोनों बॉल से खेल रहा है। सांप देखा हूं दो मुंह वाला, लेकिन ये हाथी है। तो दोस्तों फाइनली अब एक और स्टेज पे आ गए हैं, यहाँ पर काफी सारा स्टेज का सम्मेलन चल रहा है। मेरे पीछे चर्च है, चर्च है, उसके बाद मेरे पीछे उधर में मस्जिद है, इधर में और भी काफी सारे अलग अलग टाइप का मस्जिद बनाया हुआ है। ऐसे लगता है पुराने फिल्म का जो शूटिंग नहीं होता उस टाइप का गेटअप लग रहा है इधर में, और ठीक है, अच्छा है, लेकिन मेंटेन करके रखो। एक ही बार 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 बोल रहा हूँ, मेंटेन करिए तो और भी पब्लिक यहाँ गैदर होगी, तो और भी अच्छे से चलेगा, तो लोगों को पता चलेगा। और मेरे ख्याल से मेरा ही चैनल है जिसने ये प्रयाग फिल्म सिटी दिखाया, बाकी किसी ने नहीं दिखाया होगा, आई थिंक सो। देखिए और भी कोई अच्छा दिखाया हो तो जितना डिटेल हो सकता मैं आपको दूंगा इस व्लॉग में। तो आइए आप लोग आके यहाँ पर बातचीत कीजिए, भाई 300 रुपये का चीज़ का ले रहे हैं, है ना? 300 रुपये का चीज़ नहीं है ये 150 या ठीक है वहाँ 160, ठीक है उससे ऊपर नहीं चाहिएगा। और इसमें 5D शो भी है जो 3 बजे होता है, तो आप लोग आ रहे तो थोड़ा टाइम लेके आइएगा, लेकिन शो करते करते फिर रात हो जाएगा जाने में, तो मेरे ख्याल से शो का टाइम ही सुबह कर देना चाहिए इन लोगों को, या फिर आवर बेसिक में करना चाहिए। दोस्तों फिल्म सिटी देख के निकल गए, और ज़्यादा कुछ खास था नहीं, मैं सोचा कि 2 घंटा लगेगा घूमने में, लेकिन इतना फाका था, 1 घंटे में देख के हम लोग निकल गए। और रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट कुछ अंदर दिखा नहीं मेरे को, एक 3D शो था, भगवान जाने 3D शो कब चालू होगा। तो अभी बज रहा है 12, पूरा एग्जैक्टली 12:10 हो रहे हैं, और वेदर काफ़ी ख़राब लग रहा है, जैसे लग रहा है कि 4 बज रहा हो, ठंडा ठंडा लग रहा है। तो अभी कर ऐसा रहे हैं कि यहाँ से अभी निकल के हम लोग जा रहे हैं मेन रोड, वहाँ पर कुछ खाना पीना करेंगे, करके फिर घर के रास्ते पे निकल जाएंगे। घर के रास्ते पे हैं एक्चुअली। ये कौन है भाई, ये भीम है क्या? ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्रयाग फिल्म सिटी, तो मेरे को तो भीम ही लग रहा है। तो ये एरिया पूरा भी फिल्म सिटी के अंदर ही आता है, लेकिन फिल्म सिटी अभी चालू नहीं है। ब्रह्मोई कालीबाड़ी। तो आज का ट्रिप मोटा मोटी था 50-50% बोलेंगे कि सुबह उठ के आए, 6:30 बजे उठ के निकले, दो पॉइंट देखा हम लोगों ने, दोनों पॉइंट लगभग 50-50 कर एवरेज बोलूँगा, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। ठीक है, अपने को तो राइड से मतलब, राइड करो चैन से रहो और रहने दो, मेरा काम है आपको जगह दिखाना, मैंने जगह दिखा दिया। मुझे तो ये चीज सबसे बढ़िया लगा, ये अंडरग्राउंड बढ़िया है भाई। ऊपर रेल जाएगा, गाड़ी धुलवाया हूँ, गंदा नहीं करना मेरे को। ये हमारे पास है मिक्स वेज, ये है हमारा दाल, यहाँ पर है सैलेड, तो हम लोग मिलके खा रहे हैं खाना। बहुत जोर से भूख लगा है भाई साहब।
तो दोस्तों अभी लंच के लिए रुके हुए थे यहाँ पर, एक वेजिटेरियन होटल है, ढाबा ही बोलेंगे, बढ़िया खाना था। खा पी के अब बस निकलेंगे यहाँ के लिए, घर के लिए। और ना मौसम बहुत ख़राब रख रहा है और बीच बीच में बारिश हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना गोप्रो अंदर रख दे रहा हूँ और जहाँ मिलेगा वहाँ लगा लेंगे, ऐसे यहीं पर आपको सी ऑफ कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, और कैसा लगा आप बताइएगा मेरे को। तो दोस्तों यही बताना कि आज का वीडियो यहीं पर मैं सी ऑफ कर रहा हूं, और कैसा लगा बताइएगा। कि मैं कोशिश करता हूं कि जैसा भी हो मैं वीडियो बना सकूं, लोगों को दिखा सकूं कुछ कुछ जगह जो अनएक्सप्लोरर है हमारे वेस्ट बंगाल की, जो बाकी अभी एक्सप्लोर होना वो मैं कोशिश करता हूं दिखाने की। तो वही कुछ दिखाना था, और ज़्यादा कुछ आज वीडियो में खास नहीं था, छोटा मोटा वीडियो बनाए थे, बीसी बड़ा नहीं था। यदि आपको पसंद आता है तो दोस्तों क्या करना आपको पता है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने राइडर भाई को दिखा सकते हैं, भाई नेक्स्ट राइड यहाँ करते हैं, चलो यहाँ घूम के आते हैं। तो यही कुछ था, और तब फिलते मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट क्यों बोल रहे हैं, मीट यू इन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।